बाइक को एक घंटा धूप में रखने पर कितना पेट्रोल उड़ेगा जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फी 1966 में जॉर्ज हैरिसन ने ली थी। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है अगर आपके पास कोई फटा हुआ नोट है तो आप किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हो। RBI के गाइडलाइन के अनुसार फटा हुआ पुराना और गंदा नोट किसी भी बैंक शाखा में जाकर बदल सकते हो। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है एक पाउंड शहद के लिए मधुमक्खियों को 20 लाख फूलों तक घूमना पड़ता है। इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए लोगों को काम पर रखती है। इन लोगों को आइसक्रीम टेस्ट करके बताना होता है जिसके लिए इन्हें 40,000 से लेकर 1,00,000 तक सैलरी दी जाती है। क्या आप ये काम करना चाहोगे हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको पता बाइक को एक घंटा धूप में खड़े रखने पर कितना पेट्रोल उड़ेगा। दोस्तों अधिकतर कंपनियां दो प्रकार की टंकियों का उपयोग करती है, एक मेटल वाली टंकी और दूसरी फाइबर वाली टंकी। मेटल वाली टंकी की बात करेंगे तो पाएंगे कि फाइबर वाली टंकी की तुलना में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है जिससे कि उसमें भरी पेट्रोल खोलने लगती है। इससे फाइबर वाली टंकी की तुलना में ज़्यादा पेट्रोल लॉस होने की संभावना होती है और अगर टंकी के ढक्कन में लीकेज हो तो उससे पेट्रोल उड़ने की संभावना और बढ़ जाती है। टंकी में भरी पेट्रोल का उड़ना टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अलग अलग डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल उड़ने की संभावना अलग अलग होती है। अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया जाए तो एक घंटे में लगभग बाइक का 1 ml से लेकर 2 ml तक पेट्रोल उड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी अमेजिंग वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।